भाजपा सोलन मंडल की आगामी लोकसभा चुनाव 2019 की जीत सुनिश्चित बनाने के लिए रणनीति तैयार करने में जुट गई है, जिसके लिए बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में सोलन भाजपा कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी सोलन मंडल की दो दिवसीय विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता खादी ग्राम उद्योग के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने की। बैठक में चुनावों में एकजुट होकर पार्टी को विजय दिलाने पर चर्चा की गई। गुलेरिया ने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को अवश्य दिशा निर्देश दिए गए, ताकि भाजपा आने वाले चुनावों में बेहतर प्रदर्शन कर सके। इसके लिए कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श कर रणनीति को तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं जन जन तक पहुंचे, इसके लिए भी कार्यकर्ताओं को जागरूक किया जा रहा है, ताकि योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति उठा सकें। इसमें मुख्य विषय तो केंद्र सरकार की योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लोगों तक कैसे पहुँचे। नंबर दो, प्रदेश सरकार ने जो 100 दिनों में 30 योजनाएं ऐसी लोगों को दी हैं, जिनका प्रचार प्रसार भी आम व्यक्ति तक हो और उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित लोग हों। इन सारी योजनाओं बिंदुओं के साथ साथ आगामी लोकसभा चुनाव में किस तरह से फील्ड में जाना है, उसकी पूर्व तैयारी और पूर्ण तैयारी यहाँ पे इस बैठक में की गई है।